हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में आज एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है जमीन नापने के ऊपर। दोस्तों मेरी पहले वाली जो वीडियो थी वो भी जमीन नापने के ऊपर थी, जो कि वायरल हुई थी। उसमें भी लगभग 70,000 के लगभग व्यूज है। तो मैंने सोचा कि जमीन नापने पर ही एक और नई वीडियो बनाते हैं, हो सकता है ये मेरे यूट्यूब का जो चैनल है इसको एक नए मोड पर ले जाए। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि पहले बनाई थी मैंने चलकर जमीन कैसे नाप सकते हैं, मतलब कि हम खेत में घूमकर मेरो घूमकर कैसे जमीन नाप सकते हैं। तो उस पर कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि घर बैठकर कैसे जमीन नापते हैं। तो और इसके बाद में ये भी आया था कि बीघा में कैसे जमीन नापते हैं। तो बीघा की तो मैंने बता दिया, उस पर वीडियो बना चुका हूं मैं कि बीघा में कैसे जमीन नापते हैं। लेकिन अब ये वीडियो बनाई है कि घर बैठे बैठे कैसे जमीन नापते हैं, मतलब कि जैसे आपको अगर अपना खेत नापना है या किसी अन्य पड़ोसी का खेत नापना है या किसी अपने रिश्तेदारों का खेत नापना है, तो आप अपने घर बैठे बैठे ही उनका खेत नाप सकते हो अपने मोबाइल के माध्यम से। और इसमें कोई सा भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, फील्ड एरिया मेजर फ्री डाउनलोड करना है। उसकी प्रोसेस भी बता दूंगा मैं आपको अभी मोबाइल के डिस्प्ले पर। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश मीणा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक टेक। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन नहीं दबा है तो बेल आइकन भी दबा देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल के डिस्प्ले पर। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लेना है। सभी को पता है प्ले स्टोर क्या होता है, तो उसको खोल लेना है और यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है फील्ड एरिया, ये जो सेकंड वाला जो मतलब ये लिखना है फील्ड एरिया मीजर फ्री लिखोगे तो ये जो सेकंड वाला है जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे उसमें ये वाला जो आएगा इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है तो लिखा हुआ आ रहा है अनइंस्टॉल एंड ओपन, तो अनइंस्टॉल करने में डिलीट हो जाएगा और ओपन की जगह आपके मोबाइल में लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल। तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे तो ये एप्लीकेशन फटाक से डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद में देख सकते हैं 4.5 की बहुत ही शानदार रेटिंग है, जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी मोबाइल इस एप्लीकेशन को चलाने में। तो दोस्तों चलिए टाइप कर देंगे यहाँ पर से ओपन पर। ओपन करने के बाद में अब जो ऐसा इंटरफेस खुल रहा है ऐसा कैसा ही आपके मोबाइल में भी ओपन होगा। तो यहाँ पर से और अब जो सबसे पहले तो कई लोगों को दिक्कत आती है, मैंने पहले भी उस वीडियो में बताया था भैया, कई लोग बोलते हैं कि हमारी लोकेशन गलत बता रहा है, लोकेशन सही नहीं बता रहा है और कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर उसके लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको होम बटन दबा देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल में ये जो YouTube के बगल में दिख रहा है गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स को ओपन कर लेना है और एक बार चेक कर लेना है कि मोबाइल की लोकेशन चालू है या बंद है। अगर मोबाइल की लोकेशन बंद है तो प्लीज़ लोकेशन को जल्दी से चालू कर लेना। और यहाँ पर ये जो लोकेशन का ये आइकन दिख रहा है, ये आइकन जो ये गो के ऊपर लिखा हुआ है ये आइकन दिख रहा है, इसको 2-3-4 बार टैप कर देना है। अगर इसको टैप कर दोगे 2-3 बार तो यहाँ पर से लोकेशन सही बताने लग जाएगा। इसके बाद में अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो उसमें भी सही से लोकेशन बताएगा। और अगर इसके बाद में भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों अब इसके बाद में आपकी सही लोकेशन जैसे आ गई है, तो सही लोकेशन आने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ज़मीन को कैसे नापा जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो प्लस का जो आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन को सिंपली से टैप कर लेना है। उसके बाद में ये जो एरिया लिखा हुआ है एरिया को टैप कर लेना है। ऊपर ये ऊपर जो लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस में लंबाई नापी जाती है, इसके लिए भी अगर आप कहो तो अलग से वीडियो बना दूंगा। तो एरिया पर क्लिक करना है। एरिया के बाद में मैंने आपको बताया था GPS मीजरिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए चलकर जमीन नापने वाला होता है। जमीन नापनी है चाहे किसकी भी जमीन नापनी हो तो घर बैठे बैठे नाप सकते हैं। तो उसके लिए जो मैनुअल मीजरिंग लिखा हुआ है मैनुअल मीजरिंग को सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो हमने मैनुअल मीजरिंग को क्लिक किया है। अब जैसे कि साइट में ही ये प्लॉट है इसको नापना है, तो सॉरी इसके लिए आपको एक सेटिंग भी कर लेना है क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आती है कि इसको हम हेक्टेयर या एकड़ में कैसे करें। तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, ये सेटिंग में जाना है, ये एरिया यूनिट्स में, इन सब को हटाकर और अभी ये हेक्टेयर पर रहने देते हैं और डन कर लेते हैं। अब यहाँ पर से और हम जमीन नापते हैं हमारी, तो अब जैसे कि यहाँ पर से और कोई सी भी जमीन नाप लेते हैं। ये प्लॉट नाप के बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला प्लॉट नाप के बता देता हूँ। तो ये प्लस पर क्लिक करना है, एरिया पर क्लिक करना है, मैनुअल मीजरिंग को क्लिक करना है और एक तो चारों कोनों पर सबसे पहले टेप कर देना है। ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। अब इसके बाद में सभी पर क्लिक कर करके और उनको आराम से जमा लेना है एक बार, बिल्कुल मेर के बिल्कुल बॉर्डर पर आना चाहिए, थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए।
अब आप आपके हिसाब से कर लेना। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा ख़राब हो, उसमें मेर मतलब कि बिल्कुल चौरस खेत नहीं हो, तो आप उसको चलकर भी नाप सकते हो। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर से और आप देख लीजिए, मैं नाप रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में देकर नापना है। ओके, तो अब यहाँ पर से और ये हो गया, और ऊपर एरिया भी लिखा हुआ आ गया 1.605 हेक्टेयर, मतलब कि 1.60 हेक्टेयर, मतलब कि इसको बोल सकते हैं 1.5 हेक्टेयर से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब इसको सेव करने की बारी आती है। तो सेव करने के लिए ऊपर ये जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से बीच वाला जो ऑप्शन है, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में मीजर नेम, तो मीजर नेम में मेरा नाम लिख देता हूँ मैं, और ऊपर सेव को क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी सेव को क्लिक कर लिया है। अब ये सॉरी एडवर्टाइज आ रहे हैं कुछ एप्लीकेशन के। अब इसको देखने के लिए कि हमारी ज़मीन कहाँ पर गई है, सेव कहाँ पर हुई है, तो ऊपर ये 3 लाइन से इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेव्ड मीजर से लिखा हुआ है, सेव्ड मीजर्स को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है आकाश। और इसमें देख सकते हैं कि 487 मीटर है इसकी औरस चौरस जो इसकी लंबाई है वो। इसके बाद में 1.60 हेक्टेयर है ज़मीन का कुल क्षेत्रफल, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका नक्शा बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ऐसे हम हमारे आसपास की कितनी भी ज़मीन, हमें जिसकी भी ज़मीन नापनी हो जैसे कि ऐसे दूर ले जा सकते हैं, और कितनी भी दूर ले जाकर किसी की भी ज़मीन नाप सकते हैं, जैसे कि ये प्लॉट नाप सकते हैं, कोई सा भी प्लॉट नाप सकते हैं अपने हिसाब से, या अपने रिश्तेदारों के प्लॉट नाप सकते हैं, किसी के भी प्लॉट नाप सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी इससे कुछ हेल्प होती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ज़्यादा ही पसंद आता है तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और इंस्टा पर शेयर कर देना, भैया फेसबुक पर भी शेयर कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर देना अगर पसंद आता है तो, अगर आपकी कुछ हेल्प होती है तो। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मेरी पर्सनल जो फेसबुक आईडी है उस पर जाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर चेक तो कीजिए, आपको सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और इसके बाद में आप अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के नीचे एक रेड वाला बटन लिखा हुआ है, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो वो भी दबा देना। बगल में एक घंटी बनी हुई आएगी, वो भी दबा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आपकी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।